हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हमारे पास दो बाइक है, ये एक सेकंड इसको ऑफ कर देते हैं। अभी हमारे पास दो बाइक है, ये KTM 250 और RC 390। और ये अपडेटेड वर्जन है, थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है। जो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इस गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपको जो पावर है वो ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि 390 भाई तो पावर तो मिलेगी, वो 250। आज थोड़ी सी इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, गाड़ी का कंपैरिजन करते हैं और थोड़ा सा इन दोनों गाड़ी को भगा के देख लेते हैं कि, जाहिर सी बात है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। तो अभी अगर हम बात करें दोनों गाड़ी का, अगर कंपैरिजन करें तो मुझे ये गाड़ी लुक वाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी चाहे वो पिलन सीट हो, टेल हो, टेल सेम ही है, लेकिन इसका जो ये शार्प सा दिखता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। टेल लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इसके जो ये जो आप फेयरिंग वगैरह देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, पूरा एक समझ सकते हो आप, ये कैनवास है पूरा, आप पेंटिंग कर सकते हो अच्छे से अच्छा। इसमें आप स्टिकरिंग वगैरह करवा सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो, ब्रांडिंग करवा सकते हो, बहुत ही सही मतलब चीज़ है। आपको बहुत ही बड़ा कैनवास मिल जाता है। टैंक वगैरह इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नीचे की फेयरिंग हट गई है, लेकिन एक चीज़ है, अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें, और इसका ये जो ग्रैब हैंडल है वो आपको एक ही साइड मिलता है, कि अगर आपको मान लो गाड़ी अगर घुमानी है, कोई लेफ्टी है, तो आप गाड़ी स्टैंड पर रख के नहीं घुमा सकते हो, क्योंकि जो ग्रैब हैंडल है वो एक साइड है। इससे आप ट्रैवल वगैरह ज़्यादा मतलब टूरिंग नहीं कर सकते हो ज़्यादा, हाथों में पेन होने लगेगा, पीठ में पेन होने लगेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। सिटी के लिए, ट्रैक के लिए बहुत ही अच्छी है, ट्रैक के लिए ही, ट्रैक मशीन है ये, ट्रैक के लिए गाड़ी बहुत ही अच्छी है। और अगर आप KTM 250 की बात करें तो भाई ये 250 cc की गाड़ी है, एंड इसमें आपको माइलेज 26-25 के अराउंड मिलेगा, इसी में आपको 30-35 के अराउंड माइलेज मिल जाएगा। एंड इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे ट्रैवलिंग वगैरह करी हुई, मतलब मैंने 300-400 किलोमीटर तो बिना रुके इससे ट्रैवल किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। एंड इसकी जो हेडलाइट है बहुत ही मतलब रात में भी आप ट्रैवल करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इंडिकेटर जो हैं वो इसके साइन इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर आपको हर किसी में सेम मिलेगा। पावर ऑब्वियस सी बात है 250 है, तो इससे समझ सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, कमी है। इसमें आपका एग्जॉस्ट लगा हुआ है क्रापोविक। दोनों गाड़ी के बारे में मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है सारी चीज़ें। एंड अब चलते हैं, एक बार भगा के देखते हैं गाड़ी, और ज़्यादा मतलब नहीं भगाएंगे यहाँ पे, एक जो इसका पावर फिगर है वो चेक करते हैं, एक्सेलेरेशन थोड़ा सा पिकअप चेक करते हैं, ज़्यादा नहीं भगाएंगे क्योंकि भाई बारिश हुई है, आप देख रहे हो पूरा एकदम यहाँ पे तर है, तो थोड़ी सी भी जहाँ पे हम लोग को साफ रोड दिखेगी वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भगा के देखते हैं इसको, और चलते हैं एक कह सकते हैं छोटी सी एक ड्रैग रेस। तो हमारे साथ ये भाई आए हुए हैं, और भाई आपका किस नाम से चैनल है? पॉकेट रॉकेट। तो भाई जितने भी लोग हो आप सब्सक्राइब करो आप, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है ये आप देख सकते हैं। तो ये भाई की गाड़ी जिसमें उन्होंने एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है, एक बार इसका एग्जॉस्ट सुना दिए भाई, एक बार इसका सुना देंगे फिर एक बार इसका भी सुना देते हैं। हाँ एक बार रेप लिएगा थ्रॉटल, भाई कितना रिफाइन साउंड आ रहा है, कितना प्यारा साउंड आ रहा है। और अब वो भी देख लेते हैं, एक बार इसका साउंड सुना देते हैं। इसका आप सुन सकते हैं एक दो साउंड, तो गाड़ी भी हम लोग अपनी अपनी लेते हैं क्योंकि हैंडलिंग हम लोग को अपनी गाड़ी के बारे में ज़्यादा पता है, मौसम नहीं सही है वही, वरना हम लोग भगाते हैं दूसरे की गाड़ी। तो चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और पहले अपनी RPM बढ़ाते हैं, रेप बढ़ाते हैं, 390 कहाँ रह गई ये रही
गाड़ी का मीटर खराब है, लेकिन भाई 390 तो बहुत ही ज्यादा पीछे है। ये कैसे भाई? यहाँ पे गाड़ी स्लो कर लेंगे, रोड थोड़ी सी नम है, टायर मेरे थोड़े से पुराने हैं, और भाई को देख लें एक बार। क्या हो गया? भगा नहीं रहे थे क्या? अरे यार, मैं तो यार पता है रोड से डर रहा था यार, अचानक से कोई मोड़ मारना था। स्पीड नहीं पकड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग रही थी ना वो। हाँ, भाग तो ज्यादा रही तो फिर ये जीत गई। तो अभी मतलब मौसम की वजह से भाई ने थोड़ा सा तेज़ नहीं भगाया है, तो हम लोग अब जो ड्रैग रेस वगैरह करेंगे वो प्रॉपर एक अच्छी जगह पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी ख़राब था और थोड़ी सी शाम हो गई तो ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत है यहाँ पे, लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बाइक के साथ, दूसरी रेस के साथ, और ड्रैग रेस थोड़ी सी कमी बनाएंगे क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बाइक के ऊपर है, और अपनी जो हम आर्ट है उसको आगे ले जाएंगे। अभी थोड़े टाइम बाद आपको जो बाइक में जो मॉडिफिकेशंस मिलने वाले हैं वो बहुत ही सही मिलने वाले हैं। बाइक के ऊपर हम आर्ट बनाएंगे और इसको मतलब पूरी तरह से मॉडिफाई करने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, उसको जब दिखाएंगे तो फिर आप तब देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग की बहुत सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी मैं अपना कंटेंट दिखा पाऊँगा। तो थैंक यू।